हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कैंट यूज दिस फोल्डर का प्रॉब्लम आपको किसी भी एप्लीकेशन में शो कर रहा है। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन में शो करता है, ज़्यादातर आप लोगों में से बहुत सारे भाई लोग जेड एक्चिवर एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। तो 100% आज की वीडियो में आप लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। वीडियो में जो जो सेटिंग बताएंगे वो सेटिंग को आपको अप्लाई करना होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो मैं YouTube पे जब भी लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे, हम यहाँ पे जाते हैं फोल्डर में, इस प्रकार का प्रॉब्लम हमको फेस करने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा हम किसी भी फोल्डर में जाएंगे फिर भी हमको ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रहा है। और आप लोगों में से बहुत सारे भाई लोगों का इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें कॉमेंट आ रहा था कि भाई मेरा एंड्रॉयड वर्जन 14 है जिसमें ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को हम यहाँ दिखा दें कि मेरा एंड्रॉयड वर्जन 14 है। जो एंड्रॉयड वर्जन 14 में वर्क कर जाएगा तो एंड्रॉयड वर्जन कोई सा भी हो 100% सभी डिवाइस में वर्क करने वाला है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हो मेरा एंड्रॉयड वर्जन 14 का डिवाइस है। अभी हम इसी डिवाइस में ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे। देख लो गाइज, आपके सामने लैप टू लैप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रॉब्लम अभी मेरे डिवाइस में सॉल्व नहीं हुआ है। अभी हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको वाईफाई की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ये वाली वाईफाई आप लोगों में से बहुत सारे भाई लोग नहीं जानते होंगे। ये वाईफाई आपको कनेक्ट करना है, वाईफाई या तो फिर हॉटस्पॉट कहीं से कनेक्ट कर लेना है। किसी दूसरे डिवाइस से हॉटस्पॉट ले सकते हैं या तो फिर वाईफाई आप लोग कहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको अबाउट डिवाइस में चले आना है। अबाउट डिवाइस में जाने के बाद आपको यहाँ पे वर्जन का ऑप्शन शो करेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर आपको वर्जन नंबर शो करता है, तो इस पे आपको एक बार क्लिक करना है, दो बार क्लिक करना है, तीन बार क्लिक करना है, चार बार क्लिक करना है, पांच बार क्लिक करना है, या तो फिर 7 से 8 बार भी मांग सकते हैं, 7 से 8 बार क्लिक करना है। उसके बाद आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अगर आप में ऐसा सेटिंग नहीं शो करते हो तो आप लोगों का जो भी डिवाइस हो यहाँ पर आपका डिवाइस का नेम शो करेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर शो करेगा। आप लोग ये डिवाइस का नेम देख लो, आप लोग यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर सकते हो इस डिवाइस का डेवलपर ऑप्शन को कैसे ऑन करें। वहाँ पर आपका डिवाइस का डेवलपर ऑप्शन ऑन करने का तरीका बता देगा। आप लोग इस सेटिंग से आप लोग बाहर आ जाइएगा। उसके बाद आप लोगों को जैसे कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको प्ले स्टोर पर आना है, आपको टैप करना है सीजुकू, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। ये वाली एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। हो सके तो इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएगा, आप लोग डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे, फिर आपको यहाँ पर पैडिंग का आइकन शो करेगा, इस पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन अलाउ करके एक बार बैक करना है। फिर आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन शो करेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सेटिंग खुल करके आ जाएगा। तो वीडियो को आगे की तरफ ले जाने से पहले आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दूँ, अगर आप लोग भी पबजी लाइट, PGMI, फ्री फायर जैसे गेम खेलते हो, इसका फाइल वगैरह बनवाना हो, परचेस करना हो, अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग बनवाना हो, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके या तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर लिंक्स के थ्रू आप लोग व्हाट्सएप पे आकर के मैसेज करके अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग फाइल वगैरह बनवा सकते हो, परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो सबसे लोएस्ट अमाउंट में। ठीक है दोस्तों, बिना कोई स्कैम के, तो जिसको भी चाहिए हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसको नहीं चाहिए इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा USB डबिंग का ऑप्शन, ये ऑप्शन को आपको ऑन करना है। ऑन करोगे तो ओके मांगेगा, तो आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा वायरलेस डबिंग का ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका तभी ऑन होगा जब आपका वाईफाई कनेक्ट रहेगा। अगर हम अभी ये वाईफाई को डिसकनेक्ट कर देते हैं और हम इसको ऑन करने का कोशिश करते हैं, तो नीचे आप लोग साफ साफ देख सकते हो कनेक्ट टू वाईफाई नेटवर्क का ऑप्शन शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। अगर हम इसको क्लिक करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, वाईफाई हम अगर अभी कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे देखोगे, ठीक है, वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा।
तो इसी ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको वाईफाई की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको ऑन कर लीजिएगा वाईफाई के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लू कलर में लिख जाएगा डबिंग मोड व्हेन वाईफाई इज कनेक्टेड, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड का ऑप्शन रहेगा नीचे, एक ऊपर रहेगा पेयर डिवाइस विद QR कोड का ऑप्शन, तो QR कोड पे आपको ना सेलेक्ट करके पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड वाले ऑप्शन पे आपको एक बार टच करना है। उसके बाद ऊपर इंटर पेयरिंग कोड का मैसेज आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है एंड आपको ये कोड जो है वो आपको यहाँ पे टैप कर देना है। मेरे में जो कोड है वो मत टैप कर दीजिएगा, आप में जो कोड शो कर रहा है वो टैप कीजिएगा। उसके बाद सेंड पे क्लिक कर दीजिएगा। सेंड पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ऊपर से देख लेना है सीजुकू सक्सेसफुल लिख करके आ जाएगा, या तो फिर सीजुकू इज प्रोसेसिंग का ऑप्शन शो करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको हटा देना है एंड आपको एक बार बैक करना है। उसके बाद पूरा नीचे आ जाना है, पूरा नीचे आओगे फिर आप लोग थोड़ा सा ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पे डिसेबल परमिशन का ऑप्शन शो करेगा, तो इसको आपको ऑन कर देना है। अगर ये ऑप्शन नहीं शो करता है तो छोड़ देना है, कोई इशू नहीं है। जिस डिवाइस में शो कर रहा है उसको ऑन करना है, नहीं शो कर रहा है तो छोड़ देना है। उसके बाद ऊपर वाला भी ऑन कर देना है, ये भी ऑप्शन अगर शो करता है तो ऑन करना है, नहीं शो करता है तो छोड़ देना है। उसके बाद आपको एक बार बैक करना है, फिर से एक बार बैक करना है। अब आप लोग चले आओगे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस पे। अब आप लोग यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन शो करेगा, तो स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, प्रोसेसिंग लेगा, यहाँ से ऑटोमेटिकली बैक कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑथराइज जीरो एप्लीकेशन का ऑप्शन शो कर जाएगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जो भी एप्लीकेशन आपका होगा वो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। अगर नहीं भी शो करता है तो कोई इशू नहीं है, आपको शो करता है तो इसको ऑन कर देना है, नहीं शो करता है तो कोई बात नहीं है, आपको यहाँ से निकल जाना है, इसको हटा देना है बैकग्राउंड से। इस प्रकार से हटाने के बाद आपको चले आना है प्ले स्टोर पे। अगर आपको जेड एक्चिवर में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको जेड एक्चिवर डाउनलोड कर लेना है डिलीट करके। एक बार हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर से हम इसको डाउनलोड पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको डाउनलोड होने देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये फाइनली मेरा डाउनलोड हो चुका है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। होने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे, ओके करके इसको परमिशन अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद एक बार बैक करेंगे, अलाउ करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद ऊपर हमको डाउन एंड्रॉयड का ऑप्शन, सॉरी एंड्रॉयड वाले ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है, आपको ऊपर साइड में देखने के मिलेगा थ्री डॉट का ऑप्शन, ठीक है। थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे शो करेगा सेटिंग, तो सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको रूट का ऑप्शन शो करेगा, तो रूट पे क्लिक करना है एंड आपको टाइप ऑफ रूट एक्सेस का ऑप्शन शो करेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है एंड आपको सीजुकू का ऑप्शन शो करेगा, तो सीजुकू पे आपको सेलेक्ट करके सीजुकू पे कर देना है। अगर आपका SU पे सेलेक्ट रहेगा तो ये दोनों ऑप्शन ऑन नहीं होगा किसी भी हालत में, तो आपको यहाँ क्लिक करके सीजुकू पे सेलेक्ट करना है एंड आपको ये दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद एक बार दो बार बैक करना है एंड आपको जो प्रॉब्लम आ रहा था एंड्रॉयड डाटा में आने के बाद, आप लोगों को यहाँ पे परमिशन मांगा जाएगा सीजुकू के द्वारा, तो आप लोगों को अलाउ ऑल द टैम पे क्लिक करके अलाउ कर देना है। फिर आपको डाटा पे क्लिक करना है। अब आप लोगों को जो भी फोल्डर में ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रहा था वो फोल्डर में आपको एंटर कर जाना है। आप लोग देख सकते हो आपका प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है एंड्रॉयड वर्जन 14 के डिवाइस में, तो आपका प्रॉब्लम एंड्रॉयड वर्जन 13 हो, 11 हो, 12 हो, 14 हो, कोई सा भी डिवाइस हो, सभी डिवाइस में ये ट्रिक 100% वर्क करने वाली है। तो देख सकते हो आपके सामने हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉल आ गया होता जिसकी वजह से वीडियो को कट करना पड़ गया है, ठीक है। ये तो अच्छा हुआ कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद कॉल आया, नहीं तो आप लोग बोलते कि वीडियो को कट किया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, वीडियो कट करके वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो मैं YouTube पे जब भी लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं इस वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।